हम बना रहे थे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। सरल है, नियमों का पता है अपने को कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। कल भी शुरू किया हमने, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही रॉट ए लेटर, अब इसमें ये ही क्या है अपने को याद रखना है, ही सब्जेक्ट है, रॉट क्या है वर्ब है, और ए लेटर क्या है ऑब्जेक्ट है। पहले ये पहचाना सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। जब भी अपने को एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा ए लेटर। ए लेटर यहाँ आ गया। अब ये जो वर्ब है ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कल जो हमने किया फर्स्ट फॉर्म थी, आज ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो तो अपने को किसका प्रयोग करना है? वाज वर्ब का प्रयोग करना है। तो ए लेटर एक वचन है इसलिए क्या लग जाएगा? वाज। राइट की थर्ड फॉर्म लिया हो क्या होती है? रिटर्न होती है। ए लेटर वाज रिटर्न, बाय लगाकर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या था? ही था। बाय लगाकर सब्जेक्ट को ही को किसमें बदल देते हैं? हिम में। तो ये हिम आ गया, ए लेटर वाज रिटर्न बाय हिम। आगे देखें, दे प्लेड ए गेम, इसमें भी वही है, सब्जेक्ट की पहचान करो, सब्जेक्ट क्या आ रहा है? दे प्लेड खेलना वर्ब है, और ए गेम क्या है अपना? ऑब्जेक्ट है। जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पहला काम अपने को क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाना है। तो ऑब्जेक्ट ए गेम है, आगे आ गया। दूसरा काम, वर्ब की पहचान करो। सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस हो तो इज आर एम का प्रयोग करना है। ये दो नियम याद रखने हैं। कल वाले वाक्य में ऐसे बनाए थे इज आर एम में, आज हम सेकंड फॉर्म को देख रहे हैं। तो प्लेड पहचान लो, प्लेड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। फर्स्ट तो प्ले होती है, तो ये गेम आ गया। गेम एक वचन है इसलिए क्या लग गया? वाच। थर्ड फॉर्म लाएंगे प्लेड की तो पी एल ए वाई डी, प्लेड ही आ गया। बाय, यहाँ दे है, अपने को क्या लिखना है? डैम लिखना है। दे को किस में बदल देंगे? डैम में बदल देंगे। तो सरल है, कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे माय मदर कुक्ड फूड, तो इसमें ये माय मदर क्या है? माय मदर सब्जेक्ट है। कुक्ड क्या है? कुक्ड वर्ब है, और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। अपने को बदलना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में पैसिव लाते समय। ऑब्जेक्ट जैसे इसमें गेम था, इसमें ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? फूड आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया फूड। फिर वर्ब की पहचान करनी है, कुक्ड कौन सी फॉर्म है? हमने कहा फर्स्ट है, सेकंड है, कुक्ड सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म हो गई तो अपने को किसका प्रयोग करना है? वाज वर्ब का। तो फूड एक वचन है इसलिए क्या लग गया? वाज, फूड वाज। कुक्ड थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होती है तो कुक्ड लगा दी। बाय लगाकर आगे सब्जेक्ट क्या है? माय मदर को चेंज नहीं करना है, ऐसा का ऐसा क्या करना है? उदाहरण माय मदर। आगे देखें, एक और वाक्य देखो, ही गेव मी ए पेन, तो यहां पर ये ही जो है किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। गेव जो है जी ए वी गेव वर्ब है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इन तीन वाक्यों में अलग था, ये वाक्य अलग आ गया। इसमें अलग क्या आ गया कि एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ रहा है मी वाला, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ए पेन वाला। तो अपने को वर्ब के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो वर्ब गेव है, इसके ठीक बाद मी आ रहा है। मी को किस में बदलते हैं? ध्यान रखना है। तो मी बदल गया किस में? आई में। मी आई में बदल गया। अब वर्ब देखनी है तो सेकंड फॉर्म होती है गेव, क्योंकि गिव, गेव, फिर क्या आता है? गिवन आता है। तो ये गेव जो है कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हो तो नियम कहता है किसका प्रयोग करना है? वाच वर्ब का। तो आई के साथ क्या लग गया? आई के साथ वाच लग गया, तो आई वाच आ गया। थर्ड फॉर्म लगानी है तो यहाँ पर गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गिवन हो गई। क्या दे रहा है? ए पेन दे रहा है, ए पेन यहाँ लिख दिया। बाय लगाकर क्या लिखना है? तो ही है। ही को किस में बदल देंगे? ही को हिम में बदल देंगे। तो आई वाज गिवन ए पेन बाय हिम।
तो इस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस या सेकंड फॉर्म, इनकी पहचान करनी है। एक पहचान करनी है ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। अगर दो ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब के ठीक बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको अपने को आगे ले जाना, इसलिए मी को आगे लेके गए तो आई आ गया। और दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लगा दिया, देखो ये पेन तो यहाँ लगा दिया हमने, ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आगे ले गए, एक ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लगा दिया, फिर बाय लगाकर ही को किस में बदल दिया, हिम में बदल दिया। तो इस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।